हमारे टाइम्स मैं हूं मुकेश कुमार और अभी हम पहुंचे हैं पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया के अमवामन में। और अगर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रोमांच भरे सफर के लिए तैयार है तो आप आइए अमवामन और यहां पर आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत सारे आपको इवेंट्स मिलेंगे। यहां पर बहुत सारे आपको जो है यहां पर एक्टिविटी मिलने के लिए मिलेगा, जैसे पैराग्लाइडिंग है, आपको ये पारा बॉल है इसमें जो कि पानी के अंदर आप जो है सुकून से कुछ देर बिता सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है पारा बोटिंग है, वाटर बोटिंग है और भी कई एक्टिविटी हम देखें वहाँ पर कैसे सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं और वो खुद बोटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर वक्त आपका कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, मानो यहाँ पर वक्त आके ठहर जा रहा हो। और अभी हम देखें कि यहाँ पर गोपालगंज के अलावा जो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण और बिहार के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी कई लोग आए हुए हैं यहाँ पर और वो इस वाटर सैलानी का लुत्फ उठा रहे हैं। देखें यहाँ पर कि जब सर्दियों के दिन में जब लोग घरों में डूबके हो और खिली धूप निकली हो तो धूप के बीच में लोग इस रोमांचक सफर के लिए तैयार है और कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ये कहाँ से आए हुए हैं बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हुए हैं आप? मनोज कुमार पांडे, मैं कैमूर से आया हूँ जी। पंडित आप बताइए कैसे वहाँ चला आपको, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और आपने क्या क्या किया यहाँ पे एक्टिविटी में? जो है हमारे कुछ मित्र यहाँ रहते हैं, मैं उनके यहाँ आया था, उन्होंने बताया कि यहाँ अमवामन वाटरफॉल है और बहुत अच्छा यहाँ पैराग्लाइडिंग होता है, बोटिंग होता है, उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे घूमने हुए आया था। और आपने क्या क्या घूमा यहाँ पश्चिम चंपारण में और क्या क्या सुना था आपने? अभी तो काफी यहाँ का तो जो है पश्चिम चंपारण का ताश मीट बहुत फेमस है, सुनने में आता है। और यहाँ पे वाल्मीकि नगर में जो है टाइगर सफारी भी है और काफी कुछ घूमने के लिए है। अभी तो मैं फिलहाल यहीं पे आया हूँ, आगे कल देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कैसे जो सैलानी ये कैमूर से आए हुए हैं जो कि यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है और 300 किलोमीटर दूर से ये सफर कर इस वाटर जो कि रोमांचक सफर में ये गुदके लगाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर ये जो है अभी वाटर सफारी का एंजॉय कर रहे हैं। इस बात को आप देखें कि यहाँ पर जो सीनरी है वो कितना बेहतरीन बनाया गया है, यहाँ पर झील के बीच में चारों तरफ जंगल जैसा नजारा है यहाँ पर। और जब खिली धूप हो, धूप के बीच में लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और पश्चिम चंपारण में एक तो नहीं कई एक्टिविटी है जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जंगल सफारी है जो वाल्मीकि नगर में है, उसके अलावा त्रिवेणी है और कई ऐसे एक्टिविटी है यहाँ पर, कई ऐसे रोमांचक जगह है जहाँ पर आकर घूम सकते हैं, परिवार साथ वक्त बिता सकते हैं। तो बिहार में जिस तरह से लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और पर्यटकों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सरकार लगातार काम कर रही है, उसका नतीजे भी दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ये अभी इसको कुछ दिन हुआ ओपन हुए इस अमवामन में वाटर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर सैलानियों का लगातार सिलसिला जो आने का जारी है। हालांकि यहाँ पर कुछ कमियां भी है, जैसे जो कुछ सैलानी थे वो बता रहे थे कि यहाँ पर कैंटीन नहीं है, यहाँ पे और भी सुविधा नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं कि शुरुआत में अभी चूंकि स्टार्टिंग है तो बहुत सारी चीजों को डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन अभी जो यहाँ पर ये जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ये काफी लोगों के बीच में रोमांच का विषय बना हुआ है और लोग जो है इसको काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि जब भी आप पश्चिमी चंपारण में आए तो आप इस वाटर एक्टिविटी को लुत्फ लेना न भूले। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, मैं हूँ मुकेश कुमार। एक बार और न्यूज़ आप